ऑन स्टेज, जोरदार तालियां। ऑलराइट, क्या हुआ था, हमने सीडी यहाँ पे लगा के, बट हमारे स्टार्स बहुत ही एनर्जेटिक। एंड द नेक्स्ट स्टार जिन्हें इंडियन सिनेमा पलपेंदी कुल्लल के नाम से जानता है, जिनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद बॉम्बे टाइम्स से उन्होंने 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर स्टार में उनका नाम दिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आदित्य कुमार। एंड द नेक्स्ट, ये वो है जो शायद टच फोन के बिना टच भी नहीं कर देती है। यस, यू गॉट इट राइट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आराधना जगोटा। तालियां थोड़ी और आएंगी तो और ज्यादा मजा रहेगा। एंड नाउ ट्रस्ट मी, द एक्टर जिनको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, उनकी एक्टिंग का मैं आज से नहीं बहुत सालों से दीवाना हूँ। उनकी शॉर्ट फिल्म्स हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ाई करता था तो वहां पर हमारे लिए लेसन होता था कि इनकी शॉर्ट फिल्में देखिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिवम प्रधान। एंड दोस्तों, शायद आप लोग जानते ही होंगे कि ये एक टीनेज ड्रामा है, तो इट्स अ कोइंसिडेंस या फिर सोची समझी प्लानिंग है कि यहाँ पर हर कोई यंग है, नॉट जस्ट अ स्टार कास्ट। आई थिंक इन माई करियर अब तक के सबसे यंग डायरेक्टर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अशोक यादव। ऑलराइट, एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वी ऑल नो। लाइटिंग का प्लीज, ऑल नो द मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द पीपल हु बिलीव इन दिस सब्जेक्ट। Ladies and gentlemen, girls and boys, जोरदार तालियों के साथ please welcome our producer शशांक शेखर सिंह। शशांक भाई बाल खोल गए ये, please। शशांक भाई please please। इन्होंने मुझे बोला है आपको बाल खोलना पड़ेगा। He told me कि 1 करोड़ रुपया बाल खोलने के लगेंगे अगर आप। अच्छा, प्रोड्यूसर है, कुछ भी फ्री में नहीं करते। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं सत्यजीत आपसे ही शुरू करूंगा। ऑनेस्ट, पहले तो आप गीता तो नहीं है पर जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वाकई ऐसा होता है आपकी रियल लाइफ में कि 2 बूंदे अंदर रह जाती हैं जो पहले डायलॉग में आपने बोला था? माइक माइक हाथ में, ट्रायल एंड एरर सिस्टम होता है बचपन से, आप फिर दोस्तों के बीच में ऐसे कभी कभी, अरे सुनना आज कितना क्या कैसा रहा, तो जब सुसु करते हैं तो वो बात हो ही जाती है कि व्हाट्स द इशू, अच्छा हाँ हम ये करते हैं, अच्छा हमारी ये टेक्निक है, तो टेक्निक के बारे में बात होती है, आप क्या करते हैं। ओके, बट मैं एक्चुअली झाड़ लेता हूँ। अच्छा, ओके, आदित्य आपका तो पता है आप कितना झाड़ लेते हैं, वो बात अलग है, फैमिली शो है, प्रेस शो है। ओके, लेकिन दूसरा सवाल सत्यजीत आपसे, ये फिल्म में आपका एक ही मिशन है, अपनी वर्जिनिटी को लूज करना। रियल लाइफ में ये मिशन, रियल लाइफ में मिशन अभी भी चल रहा है? वो आपको मैं कट करूंगा, आई एम रियली सॉरी, वर्जिनिटी लूज नहीं करना है भाई, उसका सिंपल सा फंडा है, हमें विजय हासिल करनी है। क्या वर्जिनिटी क्या होता है? I don't know, he wants to conquer, he wants to go ahead and conquer every possible thing जो उसके सामने आए। अच्छा, ये done. So वो विजय करना चाहते हैं। Okay. तो ये आप real life में भी ये कोशिश करते हैं कि जो भी विजय पाने की कोशिश। Alright, so ladies and gentlemen, please put your hands together one more actor। और आपको बताइए, हमारे साथ में हमारी स्टार कास्ट का यहाँ पर बाकियों के साथ साथ एक और नाउ मतलब विजय आप पा लेते हैं रियल लाइफ में भी? बिल्कुल, कॉन्कर करना पड़ता है सर, अब इतना स्ट्रगल लाइफ में, अगर वो विजय वाले एटीट्यूड से नहीं चलोगे ना तो फिर पीछे रह जाओगे। ऑलराइट आदित्य, अब आपकी बारी है। प्लीज, आपका ये कहना था कि कुत्ता हो या फिर कुतिया हो, पैसा कमाना है, किसी से भी कमा लेंगे, तो मतलब रियल लाइफ में भी पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो प्रोफेशन है ना, मैं बेसिकली मैं एक्टर हूँ, आपको पता है, और अब तो ऑफिशियल एक्टर हो चुका हूँ इंडस्ट्री का। दूसरी फिल्म है, इसके बाद मेरी और फिल्में आएगी, और उसके साथ में मैं फार्मर भी हूँ, जैसा मैंने बताया था आपको, मैं किसान भी हूँ, तो पैसे मैं कमाता हूँ किसानी करके, और एज एन प्रोफेशनल एक्टर हूँ उससे, बट कुछ नहीं, सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छी से झाड़ लेते हो जैसा फिल्म में कहा, वो रियल लाइफ में भी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स, मतलब हर किसी, जितने यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स आए वहाँ पर सुसु करने के बाद हल्का सा तो करते हैं, सिंपल सी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, सत्य करता ही नहीं करता। बहुत ज्यादा ऑनेस्टी हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला तो ऑफ कोर्स आराधना,
बिना टच फोन के टच भी नहीं करने देंगे. सो मैं आपको जेनरली आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ लाइक जब आपको इस तरह के डायलॉग्स मिले, सो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? इफ यू कैन जस्ट पास द माइक. First of all, a very warm welcome to everyone over here. Thank you She's so also an much for anchor. coming here. मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, पहले तो मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी. जब अशोक ने स्क्रिप्ट सुनाई, कैसा लाइट I लगाया loved the way he narrated the script and I loved the dialogues. क्योंकि I love the director also, the one of the youngest director. Yeah. Absolutely. But मैं as a person, I am very different from Jyoti. I don't speak like her. I don't have the kind of background or upbringing like her. So to play a character like Jyoti was an exciting challenge for me. इसलिए चाहे dialogues हो, चाहे उसकी तरह बनना हो या उसको जीना हो, हर कुछ करने में मेरे को बहुत मजा आया. Alright, Shiva, आपको कितना मजा आया और आपको कौन यहाँ तंग करता था? इनमें से सबसे ज्यादा परेशान कौन करते थे आपको? सच सच बताइएगा. मेरा नाम मत लेना प्लीज. नहीं, मैं तो कहने वाला था कि मैं ही सबको परेशान करता हूँ शायद. लेकिन परेशानी की बात ऐसी है कि जिस सिचुएशंस में, जैसे माहौल में हम लोगों ने काम किया, तो जो भी सिचुएशंस थी, किसी ने सबको इतना एक सपोर्ट सिस्टम, हमारा एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम था सबका, कि परेशानी भी लगती थी अच्छा मजा ही है. मतलब अगर परेशानी भी चल रही है कि भाई बारिश हो रही है, शॉट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं भाई, भीगते भीगते इसको रेनिंग शॉट बना दो. अच्छा, ये भी हुआ? एकदम ये हुआ नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ, आप बाद में चेप देना इसको. ओके, या तो हाँ. ऑलराइट सर, आप लेट आए हैं, तो आपसे तो पहला सवाल यही बनता है कि सेट पे ज्यादातर हमेशा लेट कौन होता था कि हाँ अभी आ रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, कैसा सर लेट कौन, सेट पे कौन लेट रहता था हमेशा ही? सेट पे आई एम सो सॉरी, आई एम लाइक रियली नर्वस एंड स्वेटिंग लुकिंग एट सो मेनी पीपल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ. Yeah. You have a nice accent. Well, yeah. I liked it. Yeah. Hmm. Yeah. So set pe sabse. He is from British school. Okay. But nothing like that. So sorry, what was the question? Set pe late kaun aata tha? Who used to be late? Okay, set pe koi late nahi aata tha. Everybody used to be so excited. Main late aaya. Hum log Let me tell you something. Just circumstances mein humne ye film complete ki hai. हमें कोई बहुत बड़ी बैकिंग नहीं थी, लेकिन सबको मिलकर ये पता था कि हम लोग कुछ बहुत ही मजेदार अटेम्प्ट करने वाले हैं, और सबने ये सोचा था बस करना है, देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड वंस वी स्टार्टेड द शूटिंग, आई नो माय प्रोड्यूसर हाउ ही इज मैनेज्ड टू कंप्लीट दिस फिल्म, आई नो माय डायरेक्टर, उसने जान लगा दी अपनी. हर इंसान ने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में एक टेक्निकली साउंड फिल्म जिसका नैरेटिव अच्छा है, मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, हर चीज अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. So I think that kind of spirit is really required. And it's a young team, under 30, man. When we started, he was some 27. I was 23, he was 29. So it was a young team. And ma'am is always 18, please. Yeah. That's very important. Actually, मैं भी बोलना चाहूँगा कि मैंने अनुराग सर के साथ काम किया था, मेरा पहले एक्सपीरियंस वही है, तो वो हमेशा बोला करते थे कि फिल्म पैसे से कम पैशन से ज़्यादा बनता है, बनाई जाती है. तो एक्चुअली मुझे लगता था सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, लेकिन एक्चुअली मैं दिल से बोल रहा हूँ, तहे दिल से बोल रहा हूँ कि इस फिल्म को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस लगा, उसके दरमियान मुझे एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक्चुअली फिल्म पैसे से नहीं, पैशन से बनता है. पैसे लगते हैं, लेकिन पैसे कम पैशन ज्यादा चाहिए. ऑलराइट, तो शशांक सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको जितने भी पेमेंट दिए प्लीज वापस ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मुझे उड़ती उड़ती खबर ये मिली है शशांक सर, सिंस डायरेक्टर के पास मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, मुझे पता है क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा राज खुलाए जा सकते हैं. मुझे उड़ती उड़ती खबर ये मिली है कि आपने ये कहा है कि हेयर कट आप तभी कराएंगे जब फिल्म सुपर सक्सेसफुल रहेगी, इज इट ट्रू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि मैं पिछले 10 सालों से लोटस जेस्चर में हूँ. And I think one of the most unique hairstyle. Sir, ke ek baar hairstyle ke liye zordaar taaliyan ho jaani chahiye. All right. So, I'm sorry to intrude because it's my territory. Let me. My producer. I think I haven't seen someone as cool, calm, chilled. Set pe kuch bhi ho raha hai. Kya ho raha hai yaar Shasha? Dude, sab acha hai. Yaar, sab theek hoga. Sab acha hi hoga, dude. Dude, sab acha hoga. Dude. And I call him Baba because ye Baba hai. Ek baar aap dude bolo. Dude. So dude, how was your first reaction जब आपने इस फिल्म के बारे में सुना? Dude. नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहली बार नहीं सुना, हम और अशोक दोनों थे,
जब ये कंसीव भी हुई, जहां से भी शुरू हुई, हमारा शौक हमेशा रहा। मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 3 सालों से उतना नहीं रहा शौक के साथ रहा हूँ, ये है, और टीम के साथ, राइट। मीडिया है शशांक यहाँ पर, आपको पता ही है, मीडिया सब समझते हैं लोग। All right. सर, काम यहाँ दिखता है सर, कोशिश। एक मेरे दिगन भाई थे, वो कहते थे इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं सबको इसमें एक डिस्कवरी, और क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं मुझे पता है जहां भी होंगे मस्त होंगे, बट मुझे पता है कि वो जो ख्वाजा है वो हम ही है, क्योंकि हमें ही टिकट करानी है और हमें ही जाना है, कोई आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बाबा कहता हूँ, समझ गया? बाबा, न्यू यूनिक नेम, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको माइक देने की जरूरत नहीं है, द यंगेस्ट डायरेक्टर, सबसे मुझे पता है कि ये बहुत बेकार रहता है, क्योंकि जब भी जैसे करीना से पूछा जाता है कि सलमान और शाहरुख में से कौन था बढ़िया सा काम करने वाला, तो लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा किसने तंग किया? आई नो कि आप आदित्य का नाम लेंगे, बट फिर भी आई एम आस्किंग यू। नो, आई विल आंसर यू आफ्टर ऑल मैच। आई वांट टू थैंक टू एवरीवन, माय कैरियर कुत्तू टीम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट नथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू एवरीवन, कैरियर कुत्तू टीम स्पेशली, थैंक यू मीडिया फॉर बीइंग हियर, एंड आई जस्ट वांट टू नो योर फीडबैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रेलर? लाइक इट, रियली लाइक इट, वेरी नाइस, सुपर। जोरदार तालियों से बता दीजिए। Thank you so much. This is a long journey. I really can't tell in a minute and an hour. So obviously, making a Karyan Kutto is like a 3 years journey. Now I'm turning 13, 6 months. When I started, I was a kid and like, I was learning everything. I was experimenting. Yeah. And what was your question? Yes, my question is, in my six, sabse zyada kisne pareshan kiya? No, they are very disciplined actors and I've never experienced such thing. How much you paid to see all this? No? Okay. No, I'm really proud of everyone here who's here, and everyone Carry On Kutto team member. They are very disciplined. I still remember every day. There was nothing like that. I mean, they're all disciplined people. Seriously. Okay. Ashok sir, you know, really proud of you, we have been asking very funny question, and it's a little funny conversation, but this is quite serious question I'm asking to you, because you know, Indian film industry is known as a star driven industry where the superstars are everything. You know, in this industry where which is a superstar driven industry, jab aap aise film banate hain ek conviction ke saath, to thoda sa dar bhi rehta hai ki pata nahi ye aise film chal payenge ki nahi. What was your motivational फोर्स, मतलब आपको ऐसा क्या ने हमेशा रखा कि नहीं ये फिल्म जरूर बननी चाहिए? Let's have a huge round of applause for the complete team here, and with this it's open for the media to ask the question. Just one small request, do introduce yourself, your name and which media you belong to, and then you can ask the question whomsoever you want to ask the question. I request the PR team to please help us with the mic as well. Yeah. So you can just raise your hand and ask the questions. Over to media. मेरा सवाल अशोक और शशांक का दोनों से है, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। सेंसर का रवैया कैसा, आपकी फिल्म के प्रति कैसा रहा? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, और वो बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ चेंज ही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। Okay, I'll answer this question. There is a saying like, no, अकेले अकेले देखो हम साथ साथ हैं, है ना? अकेले अकेले देखो हम साथ साथ हैं. So, I mean, censor we are definitely going to be very supportive. Hopefully. My question to director sahab is, since at young age, you have done very good movie. What are your expectation from this movie? And can you share little experience apart from the making short films? What is your experience earlier? I want to see your face. Yeah, I'm sitting in front. Okay. Thank you so much.
See, making Carry-On Kutto was a very different experience because it's an independent film completely. And it's making an independent film is very challenging in India, of course. And to bring everything on board and to fight every day, we have shot this movie in 68 days. And when I talk about this, like it's shot in 68 days, they laugh. This is not an independent film. I said, this is what the experience is. I wanted to know your experience. Before this movie, I was making a lot of short films. And I was making a lot of experimenting with films. Even I have shot movie with a cell phone camera. And my first movie was with Nokia 170. There was one camera. I don't remember exactly. But I shot one 3-minute film. And I sent it to there was one world festival happening. I made that. That was my first film. And so I see this is my, I guess, 21st film. The other 20 films were like with me. And probably you'll find soon on YouTube or some other channels. We enjoyed music also very good. And we are expecting music director also to be there on the stage. Music director. Where is Rishabh, Himanshu, Vayu? Vayu, Himanshu. Please. They are like discovery for this film.